नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। प्लांट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट फैमिलीज हमने स्टार्ट किया हुआ है। एमसीक्यू हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। ऑलरेडी 8 क्लासेज आ चुकी हैं, 350 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। तो प्लांट टैक्सोनॉमी और जो आपके प्लांट फैमिलीज की है, लास्ट क्लास है आपकी, 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो 400 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बेसिक मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने कर लिया होगा। वो क्वेश्चन है जो आपकी नज़रों से छूट गए होंगे या बिल्कुल जो नज़रों में रहने चाहिए। दो ही तरह के क्वेश्चन हैं, जो आपने छोड़ दिए या बिल्कुल आपने भी पढ़े हैं और मैं भी उनको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो छोड़ चुके हैं वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो दोनों तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नोमेनक्लेचर फॉर टैक्सोनॉमी, जो नोमेनक्लेचर है टैक्सोन के लिए क्यों जरूरी है, नेसेसरी क्यों, आपसे स्टेटमेंट बेस देके पूछ रहे हैं। वर्नाकुलर नेम्स आर नॉट यूनिवर्सल, सही बात है। टू और मोर अनरिलेटेड स्पीसीज आर नोन बाय द सेम कॉमन नेम, ये भी हो सकता है। वर्नाकुलर नेम डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिलेशनशिप, ये भी सही है। वर्नाकुलर नेम आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द स्पीसीज, ये भी सही है। तो चारों ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास, क्लास किसके बीच में होती है, डिवीजन एंड ऑर्डर। तो पूरी हायरार्की आपको याद होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन। व्हेन द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट इन बायनोमियल एग्जैक्टली द सेम, तो ये होता है टोटोनिम। एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में यूज होता है। एंगुलर पैरेंटल क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था उन्होंने क्या रेफरेंस ली थी। द फैमिलीज वर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, जैसे जैसे फ्लावर और फ्रूट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ऐसे ही उन्होंने क्या है आपके प्लांट रखे थे, यानी फैमिलीज रखी थी प्लांट में, फैमिलीज में प्लांट रखे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इन फ्लोरिंग प्लांट अब्सेंस ऑफ पेरियंथ वाज कंसिडर्ड प्रिमिटिव करेक्टर, पेरियंथ का ना होना उन्होंने प्रिमिटिव करेक्टर माना था, ये भी सही है। मोनोकोट वाज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रिमिटिव देन डाइकोट, मोनोकोट को उन्होंने ज़्यादा प्रिमिटिव यानी पुराना माना था डाइकोट से। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर ड्राई फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये उन्होंने नहीं माना था। तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी द टैक्सोनॉमिक एंटिटी ऑफ लोएस्ट रैंक को बोलते हैं ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आर द एग्रीगेट फ्रूट ऑफ लोटस कंसिस्ट ऑफ फ्रूटलेट विच आर अरेंज इन एग्रीगेट ऑफ एकिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिमेन और अदर इलस्ट्रेशन, एक स्पेसिमैन हो सकता है आपका, अदर इलस्ट्रेशन होते सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मेटेरियल सेलेक्ट किया टू सर्व एज ए नॉमन क्लासिकल टाइप ऑफ सर्व करेगी, वेयर नो होलो टाइप वॉज डेजिग्नेटेड एट द सेम टाइम ऑफ पब्लिकेशन, तो वो होगा इलेक्ट्रोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिमैन साइटेड इन द प्रोटो लोग अदर देन द होलोटोप और आइसोटाइप से अलग जो है वो मैंशन है, तो उसको बोल रहे हैं पैरा टाइप जो प्रोटो लोग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पेसिमैन और अदर एलिमेंट सेलेक्टेड टू सर्व एज नॉमेनक्लेचर टाइप एज लॉन्ग एज ऑल ऑफ द मटेरियल ऑन विच द नेम ऑफ टैक्सोन वेस्ट मिसिंग है, तो उसको बोलेंगे नियोटाइप। एटर्म टैक्सोन द टर्म प्लांट टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन प्लांट साइंस, ए पी डी कंडोले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिटालिन्स प्रेजेंट, बिटालिन आपके होते हैं सेंट्रोस्पर्मी में या डाइडेरियासी फैमिली में, तो दोनों में क्या होते हैं आपके बिटालिन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द जीनस यूका जो है आपका वो सेपरेट किया गया है किससे, लिलियसी से, और उसको कैप्ट एगेवेसी में रखा किस वजह से, डिफरेंट क्रोमोसोम साइजेस ने शो किया इस वजह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस अ सेल शोज 5 लार्ज क्रोमोसोम और 25 स्मॉल क्रोमोसोम, अवयव में ये आपका कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। टाइफेसी कंसिडर एज अ मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली, क्यों, क्यों एंगुलर पैरेंटल ने माना था टाइफेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज कैरियोपसिस एज यू नो वीट पोएसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनको क्या करना है, अरेंज करना है आपको, तो सिन एंडर स्टेमंस कुकुरबिटेसी फैमिली, सिंजनेसी सेंथर एस्ट्रेसी फैमिली, गाइनोस्टिजियम एक्सलपिडेसी या एपिसाइनेसी हो तो वो भी सिलिको आपका हो जाएगा ब्रासिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोटानिकल नेम ऑफ सुपारी, सुपारी का बोटानिकल अरेकिया एरिका कटेचू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग किस फैमिली में आपको स्टिग्मा ऑफ फिद्री मिलेगा, तो पोएसी फैमिली में ये करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, हॉर्टस मोर्टस और हॉर्टस साइकस, ये क्या है आपका हर्बेरियम से रिलेटेड आपकी क्या है ट्रम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटकिन बियरर, इनमें से कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस को अटेंड करने वाली अमेंटीफेरी आपकी क्या है फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डायलेटेड सिस्टर ने इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डायलेटेड सिस्टर ने मिलते हैं आपके गाइडिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सब टाइप सीवे एलिमेंट प्लस्टिड, पीएम जो सब टाइप सीवे एलिमेंट है वो आपको कहाँ पर दिखेंगी, कहाँ पर सीन होंगे, तो सेंट्रोस्पर्मी फैमिली में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गा फंजाई प्लांट ऑप्सिडा किसके पीछे आपको देखने को मिलेगा, तो क्लास के पीछे देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज लोडिगल सार्सिन पॉयसी फैमिली वीट में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी अरिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस होती है आपका। अकॉर्डिंग टू तख्ते जान विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव तख्ते जान ने क्या माना था? बायोसेक्सुअल फ्लावर विद फ्री पेटल, जो फ्री पेटल कंडीशन होती है उनको बायोसेक्सुअल फ्लावर के साथ तख्ते जान ने सबसे प्रिमिटिव माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू आईसीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्चर, गट्टी फेरी को दूसरा नाम है क्लिजेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोडिगल सार्सिन्स हेट्रोपोगन, ठीक है ये भी आपका किस कौन सी फैमिली में, पोएसी फैमिली में। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर वूल पालमेई का दूसरा नाम आपका एरिएसी फैमिली। पोएसी को पहले किस नाम से जाना जाता था? ग्रेमिनी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एमेंटिफेरी फैमिली में आ है? कोजरिनिएसी फैमिली एमेंटिफेरी में है। क्रूसीफेरेसी को ब्रासिकेसी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपियम बिलोंग, अम्बेलीफेरिसी फैमिली में एपियम जीनस बिलोंग करता है। गाइनोबेसिक्सटाइल आपकी मिलेगी ल्यूकास और ल्यूकास लेमेसी फैमिली में आपको मिलता है। गाइनोस्टिजियम आपको मिलेगी कैलाट्रोपिस में, ठीक है ये, और अब ये एपोसाइनेसी में आ गया, पहले एसिल्पिडेसी में था। अगर एपोसाइनेसी और एसिल्पिडेसी दोनों ऑप्शन में, तो एपोसाइनेसी आप ऑप्शन में सही करोगे। सिनेंड्रस स्टेमंस आपको कुकुरबिटा या कुकुरबिटेसी फैमिली में दिखेंगे। कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस एस्ट्रेस या कंपोजिटिव फैमिली में देखने को मिलेगी। हेड इन्फ्लोरेसेंस आपकी ट्राइडेक्स में आपको देखने को मिलेगी। द मोनोकोटिलेडन प्रसीड डाइकोटिलेडन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंग्लोब्रेंटल, मोनोकोट को पहले बाद में रखा है एंग्लोब्रेंटल ने डाइकोट के। द पेटल्स आर माइन्यूट और एबसेंट इन इन वन ऑफ द क्रायोफाइलेशियन जेनरा, सैजीना में एबसेंट होते हैं। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ दैट द जीनस इज फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ, मतलब जीनस को फंडामेंटल कैटेगरी बोला स्पीसीज को छोड़ के, टॉम फोर्ट ने बोला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टर सिमिलरिटी दैट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड एज कॉमन डिसेंट, होमोप्लासी, स्पर्गुला आर्वेंसिस, इसके जो सीड टीबी, ठीक है जो है आपके डिजीज में यूज किए जाते हैं, ठीक है उसके इलाज में, तो स्पर्गुला आर्वेंसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैरियोफेलेसी का ये मेंबर है। नेक्स्ट आया आपका, ओब डिप्लोस्टेमनस कंडीशन इज कैरियोफेलेसी में मिलेगी, ये हाल ही में एक एग्जाम हुआ था राजस्थान का, वहाँ पर ये देखने को मिला था ये क्वेश्चन, तो कैरियोफेलेसी में ओब डिप्लोस्टेमन कंडीशंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको 400 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी तक जिन बच्चों ने बाकी 8 क्लासेस नहीं देखी हैं, वो सीरीज बनी हुई है चैनल पे, वहाँ पे जाके देखिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।